So hey guys, welcome to another new video of Random Mind YouTube channel. So let's go ahead and look into this today. So the subject name is Object Oriented Programming for FIBSC IIT Mumbai University. The semester is 2 for semester 2. Practical number is 5C. Question is implement the hierarchical inheritance. So today we will be learning about hierarchical inheritance in this program. So let's go ahead to the editor. So guys, पहले जो है मैं यहाँ पे दो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर ले रहा हूँ, iostream.h टैग इंक्लूड neo.h को जो है हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद जो है हम क्लास पेरेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है हमारा 20 क्लासेस प्रोग्राम में। इसके बाद जो है हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करके दो वेरिएबल्स को जो है यहाँ इस प्रोग्राम में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि है एक्स एंड वाई। फिर जो है हम यहाँ पर फिर से एक बार पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करके एक void get मेथड यूज कर रहे हैं, जिससे जो है हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सी आउट यूज कर लेता हूँ, एंटर एक्स एंड वाई करके यूजर को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वह इंटर यूजर एंटर करेगा यहाँ पे वैल्यू, तो एक्स और वाई जो है हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद जो है हम क्लास चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं, क्लास चाइल्ड वन। तो ये जो है चाइल्ड वन है और इसको जो है एक्सेस करेगा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करके जो है हम पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे जो है हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करके वॉइड सम मेथड जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबमिशन परफॉर्म करेंगे इस प्रोग्राम, और हम जो है हम एडिशन एस जो है करके वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे। एक्स प्लस वाई जो है हम पेरेंट क्लास से ला रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पे इनहेरिट किया था लाइन नंबर 14 पे प्रोग्राम में। इसके बाद जो है और एक क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड टू। यहाँ पे जो है पब्लिक पेरेंट फिर से एक्सेस करेंगे पेरेंट क्लास को यहाँ पे, और इसके अंदर जो है और एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करके वॉइड मल्टीप्लाई, और इसके अंदर जो है हम वैल्यू जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी आउट मल्टीप्लाई इस, और यहाँ पे जो है हम एंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स और वाई को, आउटपुट जो है वहाँ पे आ जाएगा। इसका जो है हम और एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास चाइल्ड थ्री, और ये भी जो है इनहेरिट करेगा पेरेंट को पब्लिक पेरेंट। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर करेंगे डिफरेंस परफॉर्म, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे दो वैल्यूज के बीच में। तो वॉइड डिफर जो है मैंने मेथड नेम क्रिएट कर लिया डिफरेंस के लिए, और यहाँ पे सी आउट में जो है मैं डिफरेंस इस और यहाँ पे जो है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे जो है वैल्यू एक्स माइनस वाई ओके वैल्यू आ जाएगा। तो अब जो है मैं इंट मेन यूज कर रहा हूँ, हम क्लास के बाहर आ चुके हैं और ऊपर जितने भी हमने बनाए क्लासेस बनाए थे वो सबको यहाँ पे कॉल करते थे। चाइल्ड वन सी वन, चाइल्ड टू सी टू, चाइल्ड थ्री सी थ्री। जो है हमने तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, तो सी वन डॉट पहले गेट कर लेते हैं, तो गेट में जो है वैल्यू चला जाएगा। सी वन डॉट सम करेंगे क्योंकि हमने जो है इसमें एडिशन परफॉर्म किया है इस मेथड के अंदर। यहाँ वैसे ही सेम सी टू डॉट गेट करके वापस ये वैल्यू लेंगे, फिर जो है हम यहाँ पे सी टू डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सिमिलर वे में सी थ्री को भी कॉल करेंगे, सी थ्री डॉट गेट, फिर उसके बाद जो है सी थ्री डॉट डिफ यूज करेंगे क्योंकि हमने डिफरेंशियल के लिए ये मेथड बनाया था। उसके बाद जो है हम रिटर्न जीरो कर देंगे क्योंकि हमने जो है इंट मेन यूज किया। यहाँ पे जो है हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ऐड पहले। तो यहाँ पे जो है मैं स्लैश एन जो है यहाँ पे यूज कर लूंगा प्रोग्राम में, ताकि हम जो है न्यू लाइन यूज कर पाए, हर एक बार न्यू लाइन में चला जाए वैल्यू। उसके लिए जो है मैं स्लैश एन यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, स्लैश एन। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं स्लैश एन भी लिख देता हूँ क्योंकि हमारे जो है न्यू लाइन में लाना है प्रोग्राम को। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले जो है वैल्यू दे देते हैं एडिशन के लिए, तो एडिशन के जो है हमें आउटपुट आ चुका है। सिमिलरली हम जो है अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू देंगे, तो मल्टीप्लाई भी होके हमें वैल्यू आ चुका है। तो चलिए डिफरेंस के लिए भी वैल्यू दे ही देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो वैल्यूज जो है मैंने जैसे जैसे कॉल किया था उस हिसाब से जो है वैल्यूज आ चुके हैं। तो पहले जो दो हमने वैल्यूज किए थे वो थे चाइल्ड वन के, फिर दूसरे दो वैल्यूज जो है वो चाइल्ड टू से है, फिर
तीसरे जो वैल्यूज है हमें वो चाइल्ड थ्री से है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये जो कोड है इसका मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जो है कोड को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.